बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह अपनी कार को छोड़ बाइक पर भागते हुए वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां पर ANM महिलाओं ने आज सांसद गिरिराज सिंह के कार को अचानक घेर लिया, जिसके बाद पीछे के रास्ते से जो है बाइक से भागते हुए नज़र आए सांसद गिरिराज सिंह। और सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ महिलाएं जो हैं ANM की महिलाएं हैं अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ सांसद गिरिराज सिंह अब दूसरे की बाइक लेकर मौके से फरार नज़र आए। और तमाम ANM की जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने यहां पर कहा कि हमने सांसद जो है आपको चुना है, लेकिन आप जो है इस तरह से भागते नज़र आ रहे हैं और हमारी मांगे को जो लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। चलिए क्या सब कहते हैं सीधा सुनते हैं उन्हीं से। इसे जाने से पहले आप देख रहे हैं फेस ऑफ बिहार, रिपोर्टर दीपक कुमार की पूरी रिपोर्ट। गिरिराज बाबू से मिलने आए थे, अपनी मांग पत्र सौंपने उनको आए थे, लेकिन वो चोर की तरह भाग गए हमारे पास से। क्या अभी गिरिराज सिंह मिले थे? गाड़ी छोड़ के भाग गए, छोड़ दिए बाइक से भाग गए। हम उसके लिए मंत्री को हम लोग छोड़े, लेकिन हम लोग का कोई आलमारी गाड़ी चलिए वही आपका बात हो गया, पर उतर के क्या कर रहे हैं? हम गिरिराज बाबू से मिलने आए थे, अपनी मांग पत्र सौंपने उनको आए थे, लेकिन वो चोर की तरह भाग गए हमारे पास से। क्या अभी गिरिराज सिंह मिले थे? आप पहले सूचना दिए, आपको क्या मामला को लेकर आपने यहाँ पे गाड़ी रोका था? अभी खटवाया जाता है, लेकिन वेतन नहीं दिया जाता है हम लोगों का। NHM कर्मी का शोषण होता है और दोहन होता है, ये लोग नहीं सुनते हैं। और क्या किया हम लोग को, फिर से अटेंडेंस लागू किए हैं 9 से 5 बजे तक। हमारी HSC पे कोई सुविधाएं नहीं है, बिना सुविधा के बावजूद क्यों 10 से 15 हजार। अभी आप लोग रोड, आज आप लोग का क्या मांग है, किस मांग को लेके आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए? हमारी मांग है कि हम लोग का सामान काम का सामान लेकर देना चाहिए, और हम लोगों का जो व्यवस्था है, हम लोग जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वहाँ पे किसी भी चीज़ का व्यवस्था नहीं है, ना पानी का, ना मतलब बिजली का, ना वाशरूम का, ना कर्मचारी मतलब वो है सफाई करनी है, ना ही गार्ड है वहाँ पे। एक अकेली लड़की एक सेंटर पे बैठ करके ड्यूटी करती है, ऊपर से चारों बगल के गाँव के लोग परेशान करते हैं। हम लोगों का
नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पे आए थे सिर्फ मांग पत्र सर को देने के लिए, लेकिन सर हम लोगों का मांग पत्र नहीं लेकर के चले गए, जिसकी वजह से हम लोग रोड पे सब खड़े। क्या मंत्री जी से मुलाकात अभी नहीं, क्या आश्वासन, क्या आश्वासन क्या मिला? गाड़ी छोड़ के भाग गए, मंत्री को हम लोग छूने लेकिन हम लोग का कोई आप लोग का कोई बात नहीं माना, क्या हुआ ये सब धुंधला बाजी हुआ हम लोग के साथ, ठीक ना? माननीय सांसद श्री गिरिराज बाबू हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, हम अपने दुखड़ा को माननीय मंत्री के समक्ष रखेंगे। हमने कचहरी चौक पर वहां भी हमने उनको रोकने का प्रयास किया, अनुरोध किया, अनुमय भी किया, संदेश देने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रुके। अब तब तक हम लोग यहां आ गए, पता चला कि यहां कार्यक्रम है और यहां हम लोग आ गए। यहां आने के बाद जो ही हम लोग पहुंचे तो माननीय मंत्री महोदय दूसरे गाड़ी से चले गए, मोटरसाइकिल पकड़ के चले गए। हमको कुछ नहीं करना था, हमको सिर्फ उनको संदेश देना था, अपनी बातों को दो मिनट में रखना था, तो हमारी मांग को राज्य सरकार तक कहिए तो हमारी मांग का समाधान करेगा। अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्वास्थ्य महकमा में चल रहा है, अगर हमारे NHM कर्मी की समस्या का समाधान नहीं होगा, फिर NHM कर्मी नहीं, NMR नहीं, CO2 नहीं, राज्य कमेटी फैसला लेगा और फैसला लेकर के तब ये पूरे राज्य का हर स्वास्थ्य विभाग का महात्मा, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का महात्मा ही नहीं, पूरे और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे।